माँ कह रहे हल हुई है। तो मैंने कहा प्रभु क्यों नहीं, ये इसका हल हो रहा है, क्योंकि जब आप खुदा की अनॉइंटिंग को डिसरिस्पेक्ट करते हो, उसका अनादर करते हो और आपका मन खुदा से दूर हो जाता, आप गिरते हो, आपकी सोचें शरीर हो जाती है, फिर आपके ऊपर असर आता है, आपकी सेहत का ही पर असर, आपकी टीम जिधर जिधर होती है, आपकी सेहत का ही, आपके पार्टनर, आपके लोग, आपका सब जो इंसान आपके साथ हो रहा है उलझन हो रहा है, आप और फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं, ओ प्रभु ये क्या हो रहा है, शरीर में आप हल करने की कोशिश करते हैं, कुछ नहीं हो रहा। तो आपको चीज याद रखना है, तुमने से कोई ऐसा शारीरिक हो गए अपने विश्वास से, अपनी मेंटरशिप से, अपनी अधीनगी से, अपनी आशीष से दूर ना हो जाए, तुम्हारे लिए ये एक चेतावनी बन चुका है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हम आत्मा की सौभाग्यता, अगर तुम अपने अगुए की सौभाग्यता में नहीं चल रहे, जिसके द्वारा भक्त आत्मा तुझे हमेशा अलर्ट करता है, गिरने से बचाता है, टाइम फोन से उठाता है, वो होता है आगे क्या करने के तुम बढ़ा रहे, अगर तुम उसकी नहीं सुनते उसकी सौभाग्यता, उससे बोला आपके दिन मैंने कब दुखी किया पवित्र आत्मा, क्यों नहीं मेरे ऊपर उतर रहा, क्योंकि जब अगुआ प्रचार में से पर्सनली किसी भी रीति से, चाहे वो टीम है कोई भी, उसे बोल देता है, उसे बोलता है, उसे आप बोलते हो। इसलिए चाहे आप टीम के पुराने मेंबर भी क्यों ना हो, जब आप ऑफिस में मिले किसी काम में, आप कांपने चाहिए, क्योंकि वो आत्मा आपको सिखाता है, आत्मा आपको और देता है, जो कि ये काम कर, अगर आपको कोई ड्यूटी देती है वो आत्मा देता है, तो आत्मा आपको काम सौंपता है उस करने के लिए। तो जब आप उसको नहीं फॉलो करते, आपको ये याद रखना है अगुए की बात। एक दिन प्रभु ने मुझे सिखाया था, नया नया मैं मेंटरशिप में था और प्रभु ने मुझे सिखाया था कि मैंने दो बातों का उत्तर मांगा, प्रभु जी मैं जहां जाऊंगा ना, प्रभु ने मुझे वचन से बता दिया नहीं जाना, और उसके बाद मैंने अपने आप मेंटर से भी पूछा, मैंने कहा जहां जाऊंगा ना, कहते नहीं। उसके बाद तीसरी और फिर पुत्र आत्मा मुझसे आत्मा में बोला, पहले वचन के द्वारा, फिर मेंटर के द्वारा, तीसरी और आत्मा में, तो क्या कहा आत्मा ने, आज से मेरी अगले की बात तेरे लिए मेरी आवाज होगी। समझ पा रहे हो? तो मतलब हर चीज के लिए मेरे ऊपर निर्भर रहना, प्रभु बात कर बात कर बात कर, उसने माध्यम दिए वचन, फास्टिंग प्रेयर, मेंटर। अगर तुम वहां सुनो ना, वहां इग्नोर करो, वचन जितना मर्जी जोड़ देना, आत्मा कहेगा मैंने तो मेंटर की तरह बात की, तुम ज्यादा जोर जितना मर्जी हो, तुमने मेरे वो फॉलो नहीं किया। तो आपको याद रखना कि सुन आत्मा कलीसिया के कौन बात आपको आत्मा ने दी। तो जब शारीरिक व्यक्ति होते वो आत्मा की बात को समझ नहीं पाते, आत्मिक डांट को, आत्मिक समझ को वो नहीं समझ पाते, उनके लिए बातें मोड़कर की बात होती है। तो जिस तरह सांप ने हवा को भरमाया, कहते तुम भरमाए ना जाओ, पवित्र आत्मा की आवाज से दूर ना किए जाओ, जो अगुए के द्वारा आती है, वचन के द्वारा आती है, प्रार्थना उपवास के द्वारा आती है, उससे बाकी से दूर ना हो जाओ। समझ पा रहे? देखो ये मेरा टॉपिक नहीं था, पवित्र आत्मा का ये टॉपिक है कि अगर अगुए की जिसके द्वारा मैं बात करता हूं, प्रार्थना के समय में हीलिंग करता, भविष्यवाणी के द्वारा बात करता, क्या प्रचार के समय मेरा आत्मा निकल चुका है? अभी भी बुरी आत्मा वहां, संदेह आत्मा ने डांटा लोगों के अविश्वास के लिए, अद्भुत काम देखे हमने प्रभु के, बट वंडरफुल टेस्टिमनीज, वंडरफुल गैदरिंग, वंडरफुल वंडरफुल काम देखे खुदा के। हालेलुया, प्रभु वो बेटी एक ऑफिसर फैमिली आई, वो कहती मैंने कहा हां जी पासिंग पॉइंट तो बहुत थे, आज वन मिनट भी आपसे क्या करे यार, प्रचार में तो आपने सारा कुछ मतलब क्या पता नहीं इतने लवज अच्छे यूज किए, सारा कहना मिल चुका, ब्लेस होगी आज हम तुम्हारे पूरे जीवन, अब कोई बात नहीं रहा, बस ओके बाय जाते हैं। समझ पाए? इसीलिए आपको ये याद रखना है कि प्रीच आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है और चर्च में आके सुनना कितना इंपॉर्टेंट है। आज आत्मा ने ये भी बोला और शेयर करना ऐसी मीटिंग, ऐसी सभा तुम चुपचाप बैठे हो, ये भी एक पाप है। नदी बह रही है, तुम बोला नक्का ना मोड़ो अपने नगर दे वाला, अपने मोहल्ले दे वाला, अपने लोगों दे वाला, सुआ ना कटो उस नहर दे विच। समझ पा रहे? ठेड़ी लैंग्वेज है सदन। नदी बह रही है,
और तुम अपनी और उसे बहने के लिए अपने उस बहती नदी को दूसरों के लिए बहने का कारण ना बनो, ढीले रहो, ये भी एक पाप है ढीले रहना, अपनी आलस को दूर करो। अच्छा सुबह आया था भजन साहिता का वचन, मैंने कहा प्रभु ये थोड़ा ना प्रचार का बताओ, आ गया भाई, कहते ए आलसी उठ, कहते काम काजी लोग सफल होते, आलसी लोग निर्धन हो जाते, जो काम काज करते मेहनत करते वो सफल होते, जो आलसी लोग, उसने कहा मैं तेरे हाथ के काम पर आशीष दूंगा, सीखना में मेहनत कर, बिजी कर अपने आप, हफ्ते में चेक बंद की करते हैं जी एतवार दिवस, अरे क्या कर रहे तुम, महीने में चार दिन में क्या क्या कितनी लोगों को बचा लोगे, बिजी करो अपने आप को प्रभु के काम करो, उनको कुछ ना कुछ तो ही बढ़ोगे तुम। हालेलुया, इसीलिए आपको इन बातों को समझना जरूरी है। तो आज आपने एक लेसन सीखा कि पवित्र आत्मा के साथ कैसे सहभाग्यता करनी है, उससे प्रेम करना है, उससे दोस्ती बनानी है, उसे ऐसी मित्रता और उसे जानने और समझने के द्वारा। तो आज आपने पवित्र आत्मा को जाना और समझा कि वो अपने अभ्यों के द्वारा आपसे बात कर रहा होता है और आप उसे फॉलो नहीं करते। बुधवार वचन क्या मिला, संडे क्या मिला, मेंटरशिप में क्या मिला, ये लोग मिल के जाते हैं। मैंने कहा अगली बार आया मुझे इतनी भीड़ चाहिए, मुझे इतने लोग चाहिए, मुझे इस लेवल की तरीके वही चाहिए चर्च की। मैंने कहा अगर ना कर पाए छह महीने में तीन महीने में, इसके बाद ये नहीं डरते मारे मेरा सामना ना कर पाओ, जब आप शारीरिक होते जब आप फॉलो नहीं कर पाते, आप अपने से मिलने से डरते, हिम्मत रखो अपने शेड्यूल टाइम पर मिलने की। लोग गलती करते, चर्च की टीम ने गलती करते, जितना मर्जी उन्हें बताओ, जब तुम कहीं फंस रहे हो ना किसी चीज में शरीर चीज में, अबे से बात कर लेना पहले, पास्टर जी मैं इस चीज से फंस रहा हूं, ये क्लीसिया के लिए बहुत बड़ी बात जो मैं बताने वाला हूं, मैं इस चीज में फंस रहा हूं, मैं ये पैसे के लालच में फंस रहा हूं, मैं विश्वास नहीं हो पा रहा हूं, मैं ये लड़की के चक्कर में फंस रहा हूं, मैं ये लड़के के चक्कर में नहीं फंस रही हूं, फंसा नहीं हूं पूरा बन नहीं, पर ये चीज मुझे खींच रही, थोड़ा थोड़ा मैंने कदम बढ़ाया। जिस चीज को खुद मान लेते हो उसके लिए आपके लिए डांट नहीं, पर जिस चीज का अभ्य को पता चल गया सीधा जड़ से बाहर जाते हो, जितनी मर्जी मिन्नतें कर लो सीधा बाहर जाते हो, सीधा मेंटरशिप से तुम बाहर जाते हो, समझ पाए। तो इस चीज को अपनी लाइफ में लागू कर लो, इस चीज को अपनी लाइफ में अपना लो कि जब भी तुम सीरियस टाइम में हो तब तुझे अगुए के पास जाने की ज्यादा जरूरत है। हाँ ये बात है कि तुम शरीर में अपने अगुए के सामने नहीं जा सकते, हिम्मत नहीं होती, पर मैंने आज दो पॉइंट बताए, जब तुम शरीर में अपने आप को सही मत बोलो, जब तुम्हारे प्रेयर में नहीं हो, पवित्रता में नहीं हो। मैंने स्टार्टिंग की सेटअप में सीखा, मैं साइलेंट हो जाता था जब मुझे पता है मैं खुदा के साथ सही नहीं, मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना, साइलेंट हो जाता था। हालेलुया, जब मैं शरीर में होता था तब भी साइलेंट हो जाता, जब मैं आत्मा में ज्यादा होता था तब भी आपको लोगों से कॉन्टेक्ट कम काम करने आते, क्योंकि आपको आत्मा के समय में काम करने, ये दोनों समय होते हैं साइलेंट वाले। तो आपको तो मुझे पता है आज लोग जब शरीर में होते गलतियां करते, मुंह बंद रखो परिवार में, चर्च में, पास्टर जब आप शरीर में, समझ पाए शरीर के समय कभी मत ये चीजें करो। आपको पता मैं ही गलत मूर्ख है, वो लोग जो शरीर में चल रहे थे कर परिस्थितियों निराशा में चिंताओं में चल रहे हैं, अगर अपने आप को सही मांगने लग जाते, क्योंकि शैतान याद रखो मन में, मैंने लास्ट संडे बोला था तीन चीजें बोली थी, तीन चार चीजें जो भी कि चिंता क्या है, बोलो चिंता क्या होती है, पता है ना, पड़ोसी बोले चिंता क्या होती है, आप बोले मुझे नहीं पता, समझ पा रहे, ओके एक जना पूछी, जो इधर वाले साइड वाले वो अपने पड़ोसी से बोलेंगे चिंता क्या होती है, आप उत्तर देंगे, इधर वाला बोलेगा मुझे नहीं पता, ओके एक दो तीन पूछो, बोलो मुझे नहीं पता, पड़ोसी बोलो शैतान, पड़ोसी बोलो शैतान क्या होता है, इधर वाले बोलो मुझे नहीं पता वो क्या होता है, आने वाली चीजें होती है, पहनने वाली चीजें होती है, पैरों में कुचलने वाली चीज क्या होती है, फेंकने वाली चीज होती है, कूड़ेदान वाली चीज है, हाँ बोलो मुझे नहीं पता, पड़ोसी बोले डर क्यों होता, संगते क्यों अपने दोस्ती पाओ ना अपने पड़ोसी, चर्च परिवार हो तुम, डर क्या होता,
बता कैसा तुमने बोला उसे, ऐसा ही बोल दिया पर मुझे नहीं पता क्या होता। तो मैंने जज को पूरा ठान लिया, अगर तेरे परिवार में किसी ने बोला डांटना उसे, पति पत्नी कोई भी बच्चे, चिंता नहीं करने देनी, ना डरने देना, ना चेतावनी करने देना। प्रभु की महिमा के बारे में इतना जानो, बात करो कि इन बातों की ओर प्यार ही ना जाए आपका। हालेलुया। उसकी महानता को इतना जानो, बात करो उसकी, कि इन बातों का विषय ना रहे आपका। हालेलुया। पर आप याद रखो